तुम्हारी धूप से मिलने वाली शक्तियों का राज अब मैं समझ गया हूँ। वेलकम गाइस, आज के इस नए एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द हैंडसम एंड टैलेंटेड एक्टरों में से एक, जिनकी फिल्मों को लोगों को रहता है काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की आने वाली काफी बड़ी बड़ी फिल्मों के बारे में, जिन्हें जानने के लिए आपको हर बार की तरह सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सपोर्ट के लिए कर दीजिए एक छोटा सा सब्सक्राइब। सो गाइस, ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज की जो ये लिस्ट है, लिस्ट में नंबर 1 पर जो आने वाली मूवी है वो है मूवी फर्स्ट ऑफ द मैन मूवी, वो है वार 2। यह एक स्पाइक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन आयन मुखर्जी देने वाले हैं, जो कि एक ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म बना चुके हैं। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन जूनियर, एनटीआर, कियारा आडवाणी के साथ सारवारी भी नजर आने वाली है। इस फिल्म को इंतजार हर कोई कर रहा है, क्योंकि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर को कौन नहीं देखना चाहता। और इसी के साथ में आपको एक और खुशखबरी दे दूं कि इस मूवी के अंदर आपको जॉन इब्राहिम का एक एक्सटेंडेड कैमियो भी देखने को मिलने वाला है, यानी कि फिल्म में सोने पे सुहागा होने वाला है, जहां पर आपको फर्स्ट हाफ के अंदर ऋतिक रोशन यानी कि कबीर की कहानी दिखाई जाएगी और सेकंड हाफ में जूनियर एनटीआर विलन का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। और भाई, इसी क्लेस के लिए हर कोई बेताब है। इस फिल्म को लगभग 350 करोड़ के बजट में बनाया जा रहा है, जो कि वायरएफ भी बना रहा है। और इसी के साथ गाइस, मैं आपको बता दूं कि यह फिल्म भी क्या वाकई में पहली फिल्म जो, क्योंकि 2019 में आई थी वार, जिसने 475 करोड़ का कलेक्शन किया था, उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं वो तो पता नहीं। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं कि यह मूवी आपको 14 अगस्त 2025 को देखने को मिलने वाली, वो भी पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। इसी के साथ गाइस, इस लिस्ट में नंबर 2 पर आने वाली मूवी है क्रिस 4। गाइस, क्रिस 4 क्या मूवी यार, ये मूवी एक साइफाई एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं राकेश रोशन और उनके साथ करण मल्होत्रा, जिन्होंने अग्निपथ फिल्म भी बनाई थी ऋतिक रोशन के साथ। और मैं आपको बता दूं, शमशेरा मूवी भी ये बनाते हैं, लीड रोल में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा फिर से नजर आने वाले हैं, जहां पर आपको कहानी देखने को मिलेगी कृष्णा टाइम ट्रेवल करता हुआ नजर आएगा। और फिल्म में जस्ट बात ये है कि फिल्म में हीरो और विलन का किरदार दोनों ही ऋतिक रोशन निभाने वाले हैं, यानी कि इसे देखने के लिए तो हर कोई एक्साइटेड होगा। आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो अनाउंसमेंट है वो काफी टाइम पहले ही कर दिया गया था, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट और ये फ्लोर पर जा चुकी है। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि इसकी स्क्रिप्ट भी काफी टाइम पहले ही कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल 2024 में ही इसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, जहां मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अब 2026 में रिलीज किया जाना है, यानी। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि इस मूवी को काफी बड़े लेवल पर बनाया जाएगा, तो टाइम तो लगना ही है। और खास बात यह है कि इस फिल्म को भी पैन इंडिया ही रिलीज किया जाएगा, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषा में। इसी के साथ गाइस, अब नंबर 3 पर आने वाली मूवी है ऋतिक रोशन की एक आने वाली अनटाइटल स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिस फिल्म के लीड रोल में नजर आएंगे जॉन इब्राहिम। और इस फिल्म के एक्शन कैमियो में आपको ऋतिक रोशन दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ये फिल्म प्रीक्वल होने वाला है जिम का। जी हां दोस्तों, वही जिम जो कि आपको पठान में देखने को मिला था, जहां पर आपको जिम की कहानी जो कि एक रॉ एजेंट से लेकर टेररिस्ट कैसे बना वो सारी जर्नी देखने को मिलेगी, पर आपको ऋतिक रोशन का जो कैमियो वो भी एक काफी बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा। जी हां दोस्तों, इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा, यानी कि वायरफिश फिल्म को भी बनाने वाला है, जिस फिल्म की शूटिंग इसी साल यानी कि 2024 में ही स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, इस फिल्म को 2025-2025 में बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। इसी के साथ अब नंबर 4 पर आने वाली फिल्म है जो होने वाली ब्रह्मास्त्र 2, जो कि साईफाई एडवेंचर ड्रामा फिल्म होने वाली, जिस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं आयान मुखर्जी, जो कि वार 2 तो बना ही रहे हैं, लेकिन ऋतिक रोशन के साथ इस फिल्म के लीड रोल में आपको रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन तो नजर आएंगे, लेकिन साथ साथ आपको दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन नजर आएंगे, जहां पर आपको ऋतिक रोशन शिवा के पिता का किरदार निभा सकते हैं, शिवा के पिता का किरदार यानी कि देव का किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। पहले इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह नजर आने वाले थे, लेकिन आपको पता है उनके सितारे भी गर्दिश में चल रहे हैं, जिस वजह से अब इस फिल्म में ऋतिक रोशन पूरी तरह से कन्फर्म है, क्योंकि इस फिल्म को बनाया जाना है वार 2 के बाद में, जिस वजह से आयन मुखर्जी पहले वार 2 को करना चाहते हैं। तो आपको बता दूं कि इस फिल्म की शूटिंग वो भी जल्द यानी कि 2025 में स्टार्ट होगी, क्योंकि इस फिल्म को जो रिलीज किया जाएगा वो दिसंबर 2026-2026 में रिलीज किया जाएगा, जो कि एक पैन इंडिया लेवल पर होगा। इसी के साथ गाइस, ऋतिक रोशन के आने वाली नेक्स्ट मूवी जो होने वाली वो भी एक अनटाइटल एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली, जो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म होने वाली, जिसके लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण नजर आने वाले हैं। ये वायरएफ यूनिवर्स की सबसे बड़ी काफी बड़ी और लंबी फिल्म होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म का लगभग बजट 500 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, जिस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होनी है टाइगर वर्सेस पठान के बाद, जिस फिल्म को टाल दिया गया था।
हालांकि टाइगर वर्सेस पठान की शूटिंग आपको बता दूं कि ये 2024 के लास्ट में स्टार्ट होने वाली है। जहां दोस्तों और इस फिल्म की खास बात यह है कि इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा। तो गाइस यही थी ऋतिक रोशन की आने वाली बड़ी फिल्में 2024, 2025, 2026 में। इन फिल्मों में ऋतिक रोशन धमाकेदार एक्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। वैसे गाइस अगर आप ऋतिक रोशन की अपकमिंग मूवीज के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।